हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है देसी इंडियन तड़का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज। जो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हम चेक कर लेते हैं। ये हाफ कैबेज है, ये 2 कैप्सिकम है, ये कैरेट है, 2 कैरेट है, 1 लार्ज ऑनियन है एंड ये जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट है। तो हमने सब वेजीज अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद हमने जो ये कैबेज है उसे ग्राइंड कर लिया, रफ ग्राइंड किया है, पूरा पेस्ट नहीं किया हमने, रफ ग्राइंड किया है कैबेज को। सेम हमने कैप्सिकम को भी ग्राइंड कर लिया, रफ ग्राइंड किया है एंड दिस इज पेस्ट ऑफ जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट। कैरेट इसे हमने ग्रेट किया है, ग्राइंड नहीं किया है, इसे हमने ग्रेट कर लिया है। चीज ग्रेटर होता है उससे हमने ग्रेट किया इसे। और ये है ऑनियन, 1 लार्ज ऑनियन है, इसे हमने फाइन चॉप किया है। हमें सब वेजीज इसलिए इतना फाइन चॉप्ड या फिर ग्रेटेड चाहिए क्योंकि ताकि हम जब जब उसमें फिलिंग करें तो वो जो सब बाहर नहीं है। ओके, सब हम चटनी के लिए पहले देख लेते हैं चटनी कैसे स्टार्ट करते हैं। तो हम ये बॉल पहले हम चटनी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इससे हमें थोड़ा कूल होने के लिए टाइम लगेगा। उसके बाद हम बाकी का स्टार्ट करें। जब तक हमारे पानी बॉईल नहीं हो जाता अच्छे से तब तक हमें इसे ऐसे ही बॉईल करना है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम इसमें सॉल्ट डाल देते हैं थोड़ा ताकि ये जल्दी, आप देख सकते हैं 1/4 स्पून सॉल्ट है, इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि पानी जल्दी बॉईल हो जाए। एक टिप है, आप इसे कभी भी पानी आपको जल्दी बॉईल करना है तब इसमें थोड़ा सा पिंच आप सॉल्ट ऐड कर दीजिए, पानी जल्दी बॉईल हो जाता है। ये जो हमने सारी वेजीज है इसमें बहुत सारा पानी है तो हम इसे स्क्वीज कर लेंगे ताकि इसका पानी सब निकल जाए। हम इसे स्क्वीज कर लेते हैं सारी वेजीज। हम ऐसा एक क्लॉथ लेंगे, मसलिन क्लॉथ, इसमें सारे वेजीज ऐड कर देंगे। ये देखिए, अगर हम ऐसा क्लॉथ लेंगे इसमें सारी वेजीज हमारी ऐड कर देंगे। ये है कैबेज, ये हम इसमें अभी ऐड कर रहे हैं सारा, थोड़ा ये हम इसे साइड में कर लेते हैं, हम इसे ऐड कर लेते हैं। जितना भी एक्सेस वाटर है हमें सब निकालना है इसलिए हम स्क्वीज कर लेते हैं। आप जानते हैं कैबेज में वाटर की क्वांटिटी बहुत होती है, कैबेज कैप्सिकम में इवन। तो सारी वेजीज हम एक साथ डाल देंगे। एंड दिस इज कैरेट, हम इसे भी डाल देंगे एंड ऑनियन भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, हम इसे अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। अब देख सकते हैं इसमें कितना पानी निकला है। तो हमें सब ऐसे अच्छे से सारा एक्सेस वाटर हमें स्क्वीज करना है, इतना इनफ है। अब हम इसे डिश में निकाल देंगे, साइड में रख देते हैं। जो हमारा पानी बॉईल हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे चिलीज। चिलीज हम इसका ये इसकी स्टिक निकाल देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। 10 to 12 चिलीज लेना है। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप चिलीज कम ऐड कीजिए, फिर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ऐड और कर सकते हैं। तो हम इसकी स्टिक्स निकाल के ऐड कर देंगे चिलीज इसमें। ये तीखी वाली चिलीज है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कीजिए। हम 8 to 10 चिलीज इसमें ऐड कर देंगे। ये टोमेटो है, इसे भी हमें ऐड बॉईल कर लेना है ताकि जो इसका ऊपर का स्किन है वो निकल जाए। तो क्या करना, आप ये टोमेटो में लाइट ऐसे ऊपर से ही खाली एक ऐसे उसको करिए ताकि उसकी बॉईल होते टाइम उसकी स्किन निकल जाए। तो ऐसे उसमें लाइट नाइफ से कट कर दीजिए एंड इसमें बॉईल के लिए डाल दीजिए। सेम हम ये टोमेटो के साथ करेंगे। हमने 2 टोमेटोज लिए हैं, नॉर्मली बस उसके ऊपर से टोमेटो के ऊपर से कट करेंगे ताकि उसकी स्किन निकालने में इजी हो। ये देख सकते हैं आप, बस हम इसमें ऐड कर देंगे, ये बस अच्छे से बॉईल हो जाए। तो
हम अपना डो तैयार कर लेते हैं। तो डो जब तक हमारा बॉईल हो रहा है तब तक हम अपना डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने ये परात लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम ये 1 कप मैदा है, ये इसमें ऐड करेंगे। 1 कप मैदा हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब साथ ही साथ हम उसमें डालेंगे 1 स्पून ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल है, आप कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। इसमें 1 स्पून ऑयल हमने डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट हम ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून, 1/2 स्पून सॉल्ट सॉल्ट है, अब इसमें ऐड करेंगे। बस अभी अच्छे से हम इसे नीट कर लेंगे। साइड में ही हम इसे देखते जाते हैं, जो हमारा टोमेटो है और ये चिलीज जो हमने बॉईल के लिए रखा था, एक अच्छे से, जब तक इसकी टोमेटो की स्किन सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हमें इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। फ्लेम हम थोड़ा मीडियम में कर देंगे ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए, तब तक हम अपने नीट कर लेते, अच्छे से सान लेते अपना डो। सो मैं इसे जो बॉइल जितना हमने मैदा लिया था जो बॉइल में बाउल में, उसका 1/2 कप हमने लिया है वाटर। तो जितना लगेगा उतना ही आप यूज़ करिए, ऐसा नहीं कि ये क्वांटिटी इतना ज़रूरी नहीं है, छान के देखिए जितना ज़रूरी है उतना ही वाटर यूज़ कीजिए इसमें। ये हमारा हो गया है। तब तो हम इसमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और इसमें पानी इतना हीट है कि वो थोड़ी देर वैसे ही हो जाएगा। हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि वो अपने हीट में बॉयल हो जाए और सॉफ्ट टोमेटो की स्किन। जब भी आप मैदा साने तभी भी आप ध्यान रखें कि सनने के बाद उसमें कभी भी ऊपर से सूखा मैदा ऐड नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है थोड़ा स्टिक हो रहा है आपके हैंड वगैरह में, तो ऑयल ऐड कीजिए। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। सूखा मैदा आप ऐड करोगे तो वो और धीरे धीरे और सूखा होता जाएगा, तो उससे फिर सॉफ्ट नहीं बनेंगे। या फिर आप भटूरे वगैरह भी उसके लिए भी करेंगे, कभी भी सूखा मैदा नहीं ऐड करना चाहिए, हमेशा ऑयल ही ऐड करना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा डो कितने अच्छे से सॉफ्ट एकदम नीड हो चुका है। अब हम इसे रख देंगे रेस्ट करने के लिए। थोड़ा सा ऊपर से हम इसमें ऑयल टैप करेंगे एंड इसे बस रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जब तक हम अपनी जो हमारी फिलिंग है उसे तैयार कर लेते हैं। ये बाउल से ही कवर करके हम रख देंगे साइड में। हम ये पैन लेंगे, इसे मीडियम फ्लेम में हीट अप होने देंगे। हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आना शुरू हो गया, इसका मतलब हमारा ऑयल हीट हो चुका है। फ्लेम मीडियम में ही रखेंगे एंड अब हम इसमें जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट जो हमने बना के तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। देख सकते हैं अब हो गया है। अब हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे। हमने इसमें वेजीज ऐड कर दिया है। अब हम इसमें इसको थोड़ा अच्छे से स्टर कर लेंगे। हमें सिर्फ 50% अपनी वेजीज कुक करना है ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए एंड उसका कच्चापन जो है वो उसमें से निकल जाए। इसी स्टेज में हम ऐड कर देंगे 1 स्पून सॉल्ट। हमने डो में भी सॉल्ट ऐड किया इसलिए हम उस हिसाब से करेंगे।
सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कीजिए। 1 स्पून सॉल्ट इसमें हमने ऐड कर दिया। ऐसे तब हम इस पे से स्टर कर देंगे। % ही कुक करना है। फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने। अब हम ये डिश है इसमें अपनी सारी वेजेस निकाल लेंगे। चटनी बनाने स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो है अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। चिलीज और ये जो हमारे टोमेटो थे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। हमें इसका पानी सब है वो ड्रेन आउट कर देते हैं, इसका पानी सब निकाल देते हैं। हमने इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब ये चिलीज हम साइड में कर लेते हैं। ये टोमेटो देखिए अब ये कितना सॉफ्ट हो गया, इसकी ये जो पील है टोमेटो का अच्छे से निकल रहा है। तो बस हमें ये अच्छे से निकाल देना है। टोमेटो को कट कर लेंगे, से रफ चॉप कर लेंगे क्योंकि हम इसे ग्राइंड ही करना है। ठंडा हो जाए इसके लिए हम इसे चॉप कर देते हैं ऐसे, क्योंकि हम गरम ग्राइंड नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। गरम गरम है जो ग्राइंड, नहीं तो जब आपका ढकने देते हैं हम। और ये है चिलीज हमारे। तो जब तक हम इधर फ्लेम ऑन करते हैं, मीडियम फ्लेम कर देते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। इसमें है हम ऐड करेंगे 4-5 क्लोव्स हैं गार्लिक की, 1/2 इंच जिंजर है इसे हमने चॉप कर लिया, रफली चॉप कर लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छे से स्टर करेंगे। थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें 1/2 चॉप्ड रफली चॉप ऑनियन है इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए आप ये थोड़े लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो हम इसमें ये अपना ऑनियन ऐड कर देते हैं। ऑनियन ऑप्शनल है पर आप डाल के देखिए उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मोस्टली कोई डालता नहीं ऑनियन, बट इसका ऑनियन का टेस्ट चटनी में बहुत ही अच्छा आता है। देखिए हमारा ऑनियन हो चुका है, हम इसमें एक टोमेटो ऐड कर देंगे और एक चिली भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सब इसलिए कुक कर रहे हैं ताकि जो तो कच्चापन रहता है ना वो सब अच्छे से निकल जाए, इसलिए हम इसे सब अच्छे से कुक कर रहे हैं। हम 2 मिनट इसे ऐसे ही कुक होने देंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे डिश में और अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे और इसे ये डिश में निकाल लेंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपने मोमोज भर के रख देंगे, उसका पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। हम आज मोमोज है वो जब तक हम अपने मोमोज भरेंगे तब तक हम ये कढ़ाइया लेते हैं, इसमें फ्लेम ऑन करते हैं, इसे पानी हीट होने के लिए रख देंगे क्योंकि आज हम स्टीम मोमोज इसमें बनाएंगे। इसमें हम 1 ग्लास वाटर ऐड कर देंगे। इसमें अच्छे से ऐसे रख देंगे, ठीक है? पानी बॉईल हो रहा है। ये डिश हम इसमें कवर कर देंगे। पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम इसमें ये बना लेते हैं मोमोज। तो ये देखिए हमारा जो डो है वो कितना सॉफ्ट और अच्छे से हो गया है। इसे हम एक बार नीट कर देंगे एंड देन इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे।
तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कैसे ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं ये शीट हमारी कितनी पतली है, ना ही मीन्स ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी है, ठीक है। तो बस हमें इतनी ही पतली शीट करना है। मैं इसको अभी आपको भर के दिखाती हूँ। ये एक स्पून मैं लिया है हमने अपनी फिलिंग, इसको सेंटर में रखेंगे एंड देन ये देखिए एक तो ये शेप है जो कि आप दे सकते हैं। आप देखिए एक ये शेप है जो आप अपने मोमोज को दे सकते हैं, और मैं आपको दूसरा शेप बताती हूँ। अगर उसका शेप प्रॉपर नहीं है तो आप ऐसे बाउल लीजिए, इसका शार्प एज हो उससे से ऐसे कट कर लीजिए एंड जो एक्स्ट्रा है उससे ऐसे रिमूव करके देखिए आपका प्रॉपर सर्कल में आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे बेल लेंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें हम अपनी फीलिंग ऐड करेंगे। ये देखिए इसे कैसे बन करना है, कैसे शेप देना है। पहले ये ऐसे लीजिए, इसको ऐसे कीजिए ये फर्स्ट, फिर बस सब ऐसे ही करते जाइए। हाफ ऐसे कीजिए, फिर से करते जाइए। हाँ ये देखिए कितना क्यूट लिटिल हमारा मोमोज तैयार हो चुका है। ये देखिए इसी तरह हम बाकी के सारे अपने मोमोज तैयार कर लेंगे। देखिए इन सबको एक ये शेप पे आप ये शेप भी दे सकते हैं। आधा फोल्डिंग कीजिए, फिर उसको से पिच पूरा जॉइंट कर दीजिए पिछड़े में, देख सकते हैं आप। एक और हम बना लेते हैं एंड देन हम इसको रख देंगे स्टीम होने के लिए। ये देखिए हो गया बहुत ही, ये देखिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। ये हमने ये डिश ले लिया है, इसमें रख देंगे और हम इसमें मोमोज स्टीम करेंगे। इसको मैंने ग्रीस कर दिया है ऊपर से ये डिश है, ताकि जो हमारे मोमोज उसमें स्टिक ना हो, ठीक है। तो हम एक एक करके मोमोज इसमें रख देते हैं। ये देखिए कितने अलग अलग शेप से, आप चाहे जो शेप बनाइए आपके ऊपर है। हम इसे कवर कर देंगे
मीडियम फ्लेम में सिम कर लेंगे। देखिए ये हमारा जो हमने चटनी का था वो ठंडा हो चुका है, तो हम इसे ऐड कर देंगे ग्राइंडर में एंड उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। सो यार हम देख लेते हैं हमारे मोमोज पक गए हैं या नहीं। हमारे मोमोज आप देख सकते हैं पक गए अच्छे से, थोड़े ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, उनके जो स्किन है थोड़ी शाइन होने लगेगी। और ये जो हम चटनी थी वो हमने ग्राइंड कर लिया और एक बाउल में निकाल लिया, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो हमारी ये चटनी बन के तैयार हो चुकी है और हमारे मोमोज भी तैयार हो चुके हैं, तो हम फ्लेम बंद करते हैं और प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमारा लिटिल मोमोज, तो यार ये है चटनी मोमोज की। ये देखिए हमारे रेडी है मोमोज एंड उसकी चटनी। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।